हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ड्रेस की मेजरमेंट लेना बताऊंगी। ड्रेस की मेजरमेंट जो है वो कैसे लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये ड्रेस लिया है। अभी ड्रेस की मेजरमेंट जब भी हम कटिंग करते हैं, कटिंग करने से पहले हमें ड्रेस की मेजरमेंट लेनी पड़ती है। तो अब अच्छे से मेजरमेंट लेंगे तो भी आपका ड्रेस की कटिंग जो है वो अच्छी आएगी। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी मेजरमेंट में ही गलती हो जाती है। गलती होने के कारण जब हमारा मेजरमेंट गलत हो जाती है तो हमारी कटिंग भी गलत हो जाती है, इसीलिए हमारे ड्रेस की फिटिंग जो है वो नहीं बैठती। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो शोल्डर जॉइंट हुआ है, शोल्डर से यहाँ तक आपको पूरी इसकी लंबाई नापनी है। ये देखिए, यहाँ पर हम पूरी इसकी लंबाई नापते हैं, तो लंबाई हमारी 38 इंच। यहाँ पे हमारी लंबाई आती है 38 इंच। अब जितनी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे 38 इंच हो या 35 इंच हो या 30 इंच हो या 40 इंच हो, जितनी भी आपकी ड्रेस की लंबाई होगी उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो शोल्डर है, गला जो है, इसे अच्छे से रखना है। इसे अच्छे से रखने के बाद, जैसे गला, ये स्क्वायर में जो गला है, इसे अच्छे से रखना है। रखने के बाद हमें शोल्डर को नापना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको शोल्डर जो है वो नापना है। शोल्डर आता है हमारा 13 इंच। ये देखिए, यहाँ पे हमारा शोल्डर जो है वो आता है 13 इंच। जितना हमारा शोल्डर आता है, शोल्डर का हम हाफ लेते हैं। जैसे हमारा 13 इंच शोल्डर आया तो शोल्डर का हाफ हमारा 6.5 इंच हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे, फ्रंट साइड का नेक है हमारा 5.5 इंच, तो हमें यहाँ पे हमें स्क्वायर में 5.5 इंच लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट का नाप जो है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हमारे स्लीव जो है, स्लीव्स को ज्वाइंट किया है, यहाँ तक आपको नापना है। ये आता है हमारा 18 इंच। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट का नाप जो है 18 इंच, एक साइड जो है वो 18 इंच आया, डबल किया तो 36 इंच आया है। तो यहाँ पे जितना हमारा चेस्ट का नाप आता है उसका 1/4 निकाल के, जैसे 36 इंच आया है तो यहाँ पे हमें 9 इंच, इसका 1/4 आता है 9 इंच, इसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। जितना हमारा चेस्ट का नाप आता है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। यहाँ पर आपको कमर का नाप लेना है। कमर का नाप आता है हमारा 17 इंच। 17 इंच आता है तो 17 डबल किया तो 34 इंच आता है। 34 इंच आने के बाद उसका 1/4 निकलता है हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच निकलता है तो इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। जैसे चेस्ट में हमें पहले लंबाई में आपको 2 इंच लेना है, शोल्डर जो लिया है शोल्डर का आपको हाफ लेना है, यानी कि 13 इंच है तो उसका हाफ करते हैं हम 6.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट का एक साइड हमारी जितनी है उसका डबल करना है, और उसके जैसे 1/4 आपको लेना है, उसके 1/4 में आपको 2 इंच प्लस करना है। यहाँ भी आपका कमर का नाप लेना है। कमर में आपको 2 इंच प्लस करना है। कमर का भी 1/4 आपको निकालना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा, ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो कट है, कट के ऊपर हमें ये सीट घेर का नाप लेना है। यहाँ से यहाँ तक ये 20 इंच हमारा सीट घेर का नाप आता है। अभी 20 इंच हमारा सीट घेर का नाप आता है तो इसमें हमें, अभी यहाँ पे हमारा 20 इंच सीट घेर का नाप आता है। अभी जितना हमारा सीट घेर का नाप आता है उसमें आपको क्या करना है, जैसे 40 इंच सीट घेर का नाप आया, यानी कि एक साइड हमारी 20 इंच आया, उसका डबल किया तो 40 इंच होता है, उसका 1/4 निकलता है हमारा 10 इंच, उसमें हमें 1 ही इंच प्लस करना है। जैसे हमने चेस्ट में 2 इंच प्लस किया था, कमर में 2 इंच प्लस किया था, लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सीट घेर में हमें 1 ही इंच प्लस करना है, तो 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अभी घेरा जो है, ये देखिए, घेरा जो है, जितना हमारा घेरा आता है, घेरा भी हमारा 20 इंच घेरा आता है। अभी जितना हमारा घेरा आता है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, यानी कि कमर में, चेस्ट में आपको, कमर में और चेस्ट में आपको क्या करना है, 2-2 इंच बढ़ाने हैं, और सीट घेर में आपको 1 ही इंच बढ़ाना है। शोल्डर का आपको हाफ लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स का नाप लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हम स्लीव्स का नाप ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम स्लीव्स का नाप लेंगे। 5 इंच हमारा स्लीव्स का नाप आता है। 5 इंच स्लीव्स का नाप आता है।
तो इसमें भी हमें 1.5 इंच प्लस करना है। जितनी हमारी लंबाई होगी स्लीव्स की, यहाँ पे हमारी जितनी लंबाई आती है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 इंच, यहाँ पे आपका इसका बॉटम नापना है, बॉटम आता है हमारा 6 इंच। तो इस तरीके से आप इसकी मेजरमेंट लोगे तो आपका जो ड्रेस है एकदम परफेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो आर्मोल है, आर्मोल जो है वह चेस्ट के हिसाब से हमें आर्मोल लेना पड़ता है, जैसे स्लीव्स का भी आर्मोल और यहाँ पे जो ड्रेस का भी आर्मोल जो होता है, दोनों आर्मोल हमें चेस्ट के हिसाब से लेने पड़ते हैं। बाकी जो है बहुत ही सिंपल है, ड्रेस की कटिंग करना भी बहुत सिंपल है। और यहाँ पे इस तरीके से आप मेजरमेंट लो के इतना मेजरमेंट, जैसे हमने 2-2 इंच बढ़ाया है और सीढ़ घेर में 1 इंच बताया है, उस तरीके से आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखोगे तो आपका ड्रेस जो है एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कुर्ती की मेजरमेंट लेना बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।